एंट्रेंस टेस्ट जी तैयारी कराया सब कोशिश एंट्रेंस टेस्ट क्लास कराई सो एंट्रेंस टेस्ट में सब का पे तेरे फर्स्ट ईयर के पूरे कोर्स की तैयारी कराई उन्हेंस तैयारी बगैर टाइम ध्यान करते असो लेक्चर स्टार्ट कर फर्स्ट ईयर की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी लाइन असके सब का पे फर्स्ट ईयर जो चैप्टर नंबर वन सेट का स्टार्ट कर सेट एंट्री टेस्ट में एम सी क्यूज हूँ एम सी क्यूज के लिए असके सेट की हर एक डेफिनेशन के दसो पे सेट जहाँ कुछ टॉपिक्स बुझाईस उन्होंने डेफिनेशन बुझाईस जो तुम पा उन डेफिनेशन के दसो समझो याद करो छो तो उन डेफिनेशन में एम सी क्यूज निकलता उन डेफिनेशन की मदद से एम सी क्यूज ठहला सब का पे जब सेट की डेफिनेशन वो तो सेट की डेफिनेशन था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट इन में काफ़ी सारा एम सी क्यूज चई सकता रिटेन में काफ़ी सारा एम सी क्यूज अची सकता फॉर एग्जाम्पल अची वे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिश इज कॉल्ड डिश इतने अस लिखी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट इन हिसाब से काफ़ी सारा सेट की डेफिनेशन में ही एग्जाम्पल के एम सी क्यूज अची डेफिनेशन याद हो प्रॉब्लम्स समझना पवंदा डेफिनेशन याद होंगी तो विदाउट एनी वैल्यू को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ था यो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझा अजो के लेक्चर में कोशिश करें ये शे समझने की कोशिश करो तो ये सब का पहले आए सबसेट सबसेट्स आए ए बी के सेट होना पहले तुम्हारे ही हर काइंड ऑफ द सेट्स अना पाया पे सबसेट प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट नल सेट सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग सेट एग्जॉस्ट सेट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट एंड सेट्स हाँ सब का पहले अचे तो सबसेट सबसेट चाहे सबसेट जो के सेट होजन एक ए वन टू बी वन टू थ्री जो ए जहाँ मेंबर बी में मौजूद है तो ए बी जो सबसेट चाहिए वही है प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट अच्छा है प्रॉपर सबसेट चलो ए बी जो सबसेट हो कम अज कम घट में घट एक मेंबर बी में जैक होंगे जो इन में मेंबर है तो ही इन प्रॉपर सबसेट चाहिए प्रॉपर सबसेट ला सबसेट हो जरूरी है तेरे पे तक सबसेट समझा उन इम्प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर लाइ प्रॉपर के लिए सबसेट हो जरूरी है जो ए बी जो सबसेट है एक हो तो प्रॉपर सबसेट थो सारी तरह से ए बी जो सबसेट है एक न हो ए बी जो इम्प्रॉपर सबसेट बेन लफ्ज में अस इम्प्रॉपर सेट्स के इक्वल सेट्स भी चवंदा आयो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट तक समझा उन्हें नल सेट के वाइट सेट भी चाहबो है नल सेट माना अड़ो सेट जैमें को भी एलिमेंट मौजूद न हो नल सेट उन सिंगलटन 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 में लफ्ज में ही खबर पे सिंगल माना एक यानी कि अड़ो सेट जैमें सिर्फ एक मेंबर हो सिंगलटन सेट चवंदा आयो फाइनाइट फाइनाइट मतलब वह शे गणप में हो फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री डैश 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 टेन हाँ ही गणप में यानी कि असा इनके गणी सकूँगा दहन ताउंट आउट सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट इनके चाहबो है फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट माना वह शे अस न गणे सकूँ लातदार सेट्स माना इनमें का एंड पॉइंट को इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल सेट हाँ तो डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट चाहे डिसजॉइंट जो मकसद है तो मुख्तलिफ एक बे का चेंज हुजन सब फॉर मुख्तलिफ हुजन फॉर एग्जाम्पल सवली जैंग्वेज में सीख चाहिए ए इंटरसेक्शन बी करूँ असके जवाब नल सेट मिले तो इनके चाहबो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स छो तो ए जहाँ मेंबर बी जहाँ मेंबर बिल्कुल चेंज आन तेजे कर इंटरसेक्शन नल सेट दिखती है दीज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स दोस्तों हाँ डिसजॉइंट सेट्स क्लियर कर हाँ है ओवरलैपिंग सेट डिसजॉइंट ओवरलैपिंग में थोड़ा फर्क है डिसजॉइंट्स में चौसी ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो असके नल सेट अचे पर ओवरलैपिंग में चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी करूँ नल सेट न अचे इट मीन देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज कॉमन फॉर एग्जाम्पल ए जो सेट है वन टू बी जो सेट जो खूँ टू थ्री फोर
इनजी जगह ने सब इंटरसेक्शन कराइंदा सी तने जवाब इंदो 2 इट मींस डज नॉट इक्वल टू नल सेट एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हुजे उने के जेबो आहे ओवरलैपिंग सेट्स अने इन का पोए एग्जास्ट सेट एग्जास्ट सेट चाहे जो एड़ा के बस सेट हो जन जिन जी असा यूनियन करायो तो आ यूनिवर्सल सेट के बराबर अची वे फॉर एग्जांपल ए असा सेट रखूंगा 1 बी असा सेट रखूंगा 2 आई यूनिवर्सल सेट असा मौजूद आहे 1 2 जेकर असा हनन जी यूनियन कराइंदा सी अगर असाइन जी यूनियन कराइंदा सी त असा के छा मिलंदो इन जी यूनियन कराइंदा सी त असा के मिलंदो यूनिवर्सल सेट इन फॉर एग्जांपल नंबर एग्जांपल मां तां जे लाइ खयो आहे जे जे हिसाब सा तां के खबर पई जे एग्जाम में 1 2 कयो इन 2 1 2 3 कयो इन में बस 1 2 3 करे छियो त असा इन जी यूनियन कराइंदा सी त न असा के जवाब छा मिलंदो त न असा के जवाब यूनिवर्सल सेट मिलंदो मिसाल जे जो असा यूनियन कराइंदा सी त जवाब छा ईंदो पुट 1 2 3 दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U तेने करे असा के ही जगे A B N ये भाई छा दिदा ये भाई दिदा साजा exhaustive sets दोस्तों हाने असा जा ही 10 set complete थी चुका है हाने आए equivalent equal and sets equivalent मकसद आए the number of the elements are equal but not same माना जेकन है असा की करो A जो set मिलल आए 1 2 3 आई B जो set मिलल आए A B C तहिने के असा चई सगु था तही बई सेट है इक्विवेलेंट दा है पर इक्वल नहीं जो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नमे ट्रेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नमे ट्रेन पर सेम नाइन ते जगह साइन ये लिखना थी ए इक्विवेलेंट टू बी सारी तरह असा हाने जगह इक्वल सेट ते ना थी इक्वल मा एकडी शे लफ्ज में जाहिर थी गई इक्वल माना एड़ा सेट है जेके शिकल जे हिसाब सा तदा जे हिसाब सा सांचे जे हिसाब सा बिल्कुल सेम हुजन उन्हें के इक्वल सेट जो है ए एंड बी पर ने इक्वल सेट सर माता ने पहले बताया है उस इक्वल सेट सा नाम सुनो ने इज इंप्रॉपर सबसेट्स और इक्वल सेट जो लास्ट आया सा जो सेट्स सेट्स ना चाहे चलो जिक्र है ए इंटरसेक्शन बी कराए वो बचे नल सेट के बराबर वरी बी इंटरसेक्शन सी कराए वो बचे नल सेट के बराबर पर ए यूनियन बी यूनियन सी कराए वो यूनिवर्सल सेट के बराबर अचे तो उन्हें के चेबो आहे सेट्स ए बी सी आर कॉल्ड सेट्स एड़ा जे कर सेट असन हुंदा जिन में ही शे वेरीफाई थी विंदो तो उन्हें के सेट चेबो आहे फॉर एग्जांपल असन जो ए सेट आहे 1 असन जो बी सेट आहे 2 असन जो सी सेट आहे 3 अगर असाइन जी इंटरसेक्शन सारे जगह इंटरसेक्शन बी कराइना चाहे तो नल से अगर बी इंटरसेक्शन सी कराइना चाहे तो नल से पर जगह ए यूनियन बी यूनियन सी कराइना थी जवाब इन दो 1 2 3 इधर यूनिवर्सल सेट ऐसा मिसाल करूंगा 1 2 3 तो तो जगह सेट होता है वो सब यूनिवर्सल सेट जा सब सेट होता है वो अरे इन उन्हें जे हिसाब सा ए जो असन जो ए यूनियन बी यूनियन सी वापस यूनिवर्सल सेट के बराबर है चियो इट मींस ए बी एंड सी आर कॉल्ड सेट्स दोस्तों जी अगे सा एते के 13 सेट जा काइंस लिखा सी उन के बारे में ताके डेफिनेशंस बताया सी ताके एग्जांपल समझाया सी ताम कुछ कोशिश करो पाने ने के सी करे पाने कुछ इसे को साफ करने की कोशिश करो आज असाइनमेंट दे जेको कुछ समझवा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मा ताके इन सबनी डेफिनेशन ते एमसीक्यूस के अंदर चैनल वो बताए दो ताके एमसीक्यूस समझण जे लाए इन जो डेफिनेशन समझण इन जा एग्जांपल समझण तमाम जरूरी हो गए उम्मीद है जो लेक्चर ताके पसंद आयो होंदो तो मुझे दुआ में हमेशा याद रखियो बाय।